रात के 12 बज रहे थे। उड़ीसा के बालासोर मेडिकल कॉलेज में हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। अफरा तफरी का माहौल था। लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे। एम्बुलेंस के सायरन लगातार गूंज रहे थे। कारों और अन्य गाड़ियों से घायल लाए जा रहे थे। इसी बीच कुछ स्वस्थ युवाओं की भीड़ भी यहाँ जमा थी। लंबी लाइन लगी थी। कुछ युवाओं के हाथ में फॉर्म था। कुछ 2 घंटे से खड़े थे तो कोई 4 घंटे से खड़ा था। ये वे युवा थे जो मेडिकल कॉलेज में ब्लड डोनेट करने आए थे। हादसे की खबर सुनने और ट्रेन हादसे के वीडियो देखने के बाद इन युवाओं को साफ हो गया था कि ये हादसा बहुत बड़ा है। कई लोग मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं। उन्हें रक्त की जरूरत होगी, इसलिए वे दान करने यहाँ पहुंच गए थे। उड़ीसा के बालासोर में हुए भयानक कोरोमंडल ट्रेन हादसे ने पूरे देश को हिला दिया है। घटना के बाद लोगों की जान बचाने के लिए लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। सैकड़ों लोग दुर्घटना स्थल पर पहुंचे तो अस्पताल में भी हुजूम उमड़ पड़ा। जो जिस तरह था ब्लड डोनेट करने के लिए अस्पताल पहुंच गया। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही घंटों में 900 यूनिट ब्लड जमा हो गए। 2000 से ज्यादा लोगों ने ब्लड डोनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। अगर आपको हमारा न्यूज़ पसंद आया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें।